गुरु विक्स में आपका स्वागत है। आइए हम एरिया बिटवीन टू कर्व्स पे एक एग्जांपल सॉल्व करें। ये एग्जांपल 6 है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोलास y इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो हमें दो पैराबोला दिए गए हैं। पहला पैराबोला है y इज इक्वल टू x स्क्वायर और दूसरा है y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो ये जो पैराबोला है इसे हमने कहा y इज इक्वल टू x स्क्वायर और ये जो पैराबोला है इसे हमने कहा x इज इक्वल टू y स्क्वायर। हमें एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय टू पैराबोला निकालना है। तो वो कौन सा रीजन है जो इन दोनों पैराबोला से बाउंडेड है, ये रीजन, दिस रीजन, और हमें इस रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हमें एक स्ट्रिप लेनी होगी। तो मान लीजिए ये हमारी एक स्ट्रिप है और इसकी जो हाइट है वो है y और इसकी जो विड्थ है वो है dx। तो एरिया ऑफ दिस एलिमेंट्री स्ट्रिप क्या हो जाएगा, y dx। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू y dx। और मान लीजिए कि जो एरिया ऑफ स्ट्रिप है वो क्या है, dA। तो dA इज इक्वल टू y dx। और अगर हम इस एलिमेंट्री स्ट्रिप को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करें तो हमें इस पूरे रीजन की एरिया मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये पॉइंट कैलकुलेट करना होगा कि इस पॉइंट पे x और y की क्या वैल्यू है। और यहां पे हमें पता है कि ये जो पॉइंट है वहां पे x भी जीरो है और y भी जीरो है। दैट मीन्स हमें इन दोनों कर्व्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू x स्क्वायर और दूसरा क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अगर हम y की वैल्यू x स्क्वायर इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, x टू द पावर 4 इज इक्वल टू x। दैट मीन्स x टू द पावर 4 माइनस x इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वल टू x, अगर हम कॉमन लें तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप यहां से लिख सकते हैं x इंटू x माइनस 1 ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दैट इज x इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको x की दो वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 0 कॉमा 1। और अगर हम x की वैल्यू यहां पुट करें तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1। दैट मीन्स जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कौन कौन सा है, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0,0 एंड 1,1। तो ये जो पॉइंट है वो तो 0,0 है और ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है 1,1। अब हमें इस स्ट्रिप को y dx को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके 1 तक, ओके, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 1, दिस इज 1,0। और ये y क्या होगा, y इज इक्वल टू fx माइनस gx।
और fx कौन सा फंक्शन है, fx इज इक्वल्स टू, और y क्या होगा, और ये y क्या होगा, y इज इक्वल्स टू fx माइनस gx, ये हमने पिछली वीडियोस में देखा था। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ fx माइनस gx dx फ्रॉम 0 टू 1, फ्रॉम 0 टू 1। और आप देखिए यहां पे जो ये फंक्शन है उस फंक्शन में fx की वैल्यू gx से अधिक है, तो हम fx किसे माने, y स्क्वायर इज इक्वल टू x को। तो यहां से जो पहला फंक्शन है वो क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो y क्या हो जाएगा, अंडर रूट x, और इसे हमने क्या मान लिया, fx। सिमिलरली gx क्या है, ये फंक्शन, और इसकी वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो सेकेंड फंक्शन जो है वो है y इज इक्वल टू x स्क्वायर, और इसे मान लीजिए gx। नाउ एरिया क्या होगा, अब एरिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ fx माइनस gx, fx क्या है अंडर रूट x, माइनस gx क्या है x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू 1। ओके, दैट मींस 0 टू 1 अंडर रूट x dx माइनस x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू 1, और यहां से आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट x का इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, और अपर लिमिट क्या होगी 1, और लोअर लिमिट क्या होगी 0। तो यहां से आप लिख सकते हैं ये 3/2 आउटसाइड आएगा, दैट मीन्स 2/3, और जब x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो 1 टू पावर 3/2 दैट मीन्स 1, और दूसरी बार x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, दैट मीन्स 1 माइनस 0, माइनस यहां पे अगर x की वैल्यू हम 1 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हम 3 बाहर ले लें, दैट मीन्स 1/3, तो अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1, माइनस अगर 0 पुट करेंगे तो 0, दैट मीन्स 2/3 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 1/3। तो एरिया इंक्लोज बाय दीज टू कर्व क्या होगा, 1/3। एरिया इंक्लोज बाय कर्व y इज इक्वल टू fx एंड y इज इक्वल टू gx इज 1/3। और सवालों के लिए आप gurbix.com पर जाइए।